जी दूसरा वाक्य ये है कि एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग एक जंगल में सफ़र कर रहे थे, उनको पानी की हाजत पेश हुई। पानी उन्होंने ढूंढा तो एक कुआं नज़र आया, तो कुएं के पास गए, देखा जो पानी जो है वो सतह उसके नीचे है काफ़ी। इन्होंने आसपास कुछ असबाब के दरिए में कोशिश करी तो थोड़ा सा मुतफक्किर हुए, फिक्र हुई कि भाई पानी किस तरीके से ऊपर आ गई, उसको लिया कैसे जाए। तो एक खातून गुजर रही थी वहाँ से ना, खातून उस वो बांधी थी, बांधी की कोई अलामत होती होगी उस वक्त, या तो कोई ड्रेस के एतबार से था मामला, कोई कोई ना कोई निशानी होती थी। तो बहरहाल वो गुजर रही, वो खातून ने इनको देखा, वो कुएं के पास आई और उस खातून ने कुएं में थूक डाला, अपना कुएं में थूका, वो पानी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। अब इन बुज़ुर्ग को बड़ी ताज्जुब हुआ, कहने लगे, पूछा इन्होंने कि ये तूने क्या किया, तो कहने लगे खातून ना उन बुज़ुर्ग का नाम लेके कहती है, कहती है तुम हो इसलिए बता रही हूँ, वरना मैं बताती नहीं। ये मैं रोज़ाना 5,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ती हूँ, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। ये एक दूसरा वाक्य है। अच्छा, इसके तरह इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं, दुरूद पाक की कसरत करने वाले को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी फैज़ मिलता है। अब ये फैज़ क्या चीज़ होती है, ये एक अलग टॉपिक है जी। ठीक है जी, अच्छा एक और वाक्य सुनाते हैं आपको, ऐसे इंटरेस्टिंग है, मज़े की चीज़ है, अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है कि बात करें। तो एक शख्स थे, उन्हें सोना बनाने की सूझी, सोना इसको कहते हैं इल्म कीमिया, ये अल्लाह सुब्हानहू वतआला अपने खास बंदों को अता करते हैं, बुज़ुर्ग वगैरह लोग होते हैं अता करते हैं, मगर ये तब आमतौर पर तब अता होता है जब वो मिट्टी और सोना अमूमी तौर पर बराबर ही हो जाए इंसान की निगाह में, अता हो जाता है, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं, अल्लाह ने अता किया ही, और कई लोगों के एविडेंसेस हैं। ठीक, इसको इल्म कीमिया कहते हैं। उस शख्स ने कोशिश करी, भाई किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बहरहाल जो वो कर सकते थे किया, जंगल में जाके बैठ गए और अपने जो भी मेहनतें करी, यहाँ तक के थक गए, वक्त गुजरा, ज़िंदगी गुजरी, बुढ़ापा आ गया। जब हर तरफ से इंसान थकता है ना, तो फिर वो आमतौर पर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो होता है, रहमान तो रहमान, अपनी रहमत मुतवज्जो करी। तो उन्होंने क्या, उसकी शक्ल ऐसी ज़ाहिर हुई कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरिश्ता जो है इंसानी शक्ल में उनके रास्ते में बैठा दिया, कहीं से वो जहाँ से गुजरना होगा उनको अलग कमी शौक। मैं सिर्फ खुलासा बता रहा हूँ और इसकी तस्दीक आपको किताब में मिल जाएगी, बड़े उलमाए किराम से पूछ लीजिएगा, आप बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ मॉरल के ऊपर बात करूँगा, सब्सटेंस खुलासा। तो अब वो गुजर रहे थे, वो शख्स बैठा हुआ, फरिश्ते थे वो इंसानी शक्ल में बैठे हुए, वो गमजदा से थे जो गुजरने वाले शख्स थे। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, खैरियत है, कहने लगे, उन्होंने फिर मसला बता दिया, भाई मैं सोना बनाना चाहता हूँ, मैं बना नहीं सका। वो फरिश्ते ने जाओ उनको फिर उसकी रेसिपी बता दी, भाई ये कर लें आप, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की शान कहें इसको कि वो वाकई सोना बन गया। अब सोना तो बन गया, मगर इनको एहसास हुआ, इस शख्स को एहसास हुआ कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार दी इसमें, अब बूढ़ा हो गया मैं, अगर मैं ऐसी हालत में मर गया तो ये तो ज़ाया हो जाएगा, ये जो सारा जो फार्मूला है। तो उनके दिल में आई कि ये मैं किसी सवाले शख्स को दे देता हूँ, ताकि ये भी उससे भी शेयर कर लूँ, ताकि अगर मैं मर जाऊँ तो ये लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वो शख्स आया मस्जिद, उस ज़माने के सालेहीन की अलामत ही होती थी कि भाई वो शख्स मस्जिद में पहले आए और मस्जिद से देर से जाए, उस ज़माने की अलामत थी। वो आए, उन्होंने जवान को ऑब्ज़र्व किया, वो वक्त से पहले मस्जिद में आता है और देर तक मस्जिद में रहता है। कुछ दिन ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने महसूस हुआ, हाँ भाई इसको हम ये दे सकते हैं। तो मौका देख के उन्होंने उससे बातचीत करी, लड़के ने बात सुनी, वो कहने लगा कि आपने इस काम में अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, पूरी ज़िंदगी लगा दी। उन्होंने कहा जी, कहने लगे, लड़का कहने लगा, अच्छा वो बुजुर्ग उस शख्स ने कहा था कि मैं सोना बनाना चाहता हूँ, वो सारी तफसील आ चुकी है उसमें। तो वो लड़का कहता है मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी पे दुरूद पाक पढ़ता हूँ कसरत से, मैं किसी चीज़ पे थूक दूँ ना वो भी सोना बन जाती है। तो ये कम से कम दर्जे के फ़ज़ाइल आपको सुना रहे हैं, सोना तो खैर कोई भी चीज़ नहीं है आप पे, दुरूद पाक की नस्बत में दुरूद पाक तो बहुत बड़ी चीज़ है, कि इसके फ़ज़ाइल तो ज़्यादा से ज़्यादा होते ही रहते हैं। तो मज़ीद मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ।